गाइज फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के बारे में। दोस्तों टेक महिंद्रा एक आईटी सेक्टर का कंपनी है और दोस्तों आज की डेट में करीबन 0.54% की गिरावट शेयर दिया है। और दोस्तों इसका हम लोग पूरा चार्ट पैटर्न देखेंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको टारगेट प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों टारगेट बहुत ही शानदार है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों 5 डे में करीबन 0.02% की गिरावट है, 1 मंथ में 10% की कंपनी रिटर्न दिया है, 6 महीने में देखोगे 44% की रिटर्न दिया है, 1 ईयर में देखोगे 45% की रिटर्न कंपनी दिया है, 5 ईयर में 211% की कंपनी जबरदस्त रिटर्न दे चुका है, मैक्सिमम अगर हम लोग देखेंगे 953% की रिटर्न कंपनी दिया है। लिस्टिंग कब हुआ था, 2006 में लिस्टिंग हुआ था, 135 रुपये वाला शेयर अभी देखिए 1427 रुपये में मिल रहा है। तो लॉकडाउन के टाइम में ये शेयर आप देख सकते हो लॉकडाउन से पहले 829 रुपये में मिल रहा था और लॉकडाउन जब लगा 538 तक खस गया था, नीचे आ गया था, उसके बाद फिर से बाउंस बैक हुआ और दोस्तों अभी का प्राइस आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। तो दोस्तों इसका टारगेट क्या रहेगा, दोस्तों 1520 रुपये का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, अभी 1427 रुपये में ट्रेड हो रहा है, मैं आपको 1520 रुपये का टारगेट दे रहा हूँ, अचीव करेगा दोस्तों। जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट में हम लोग आ चुके हैं, आज की डेट में भारी भरकम बाय हुआ है और दोस्तों यहाँ पर मिलियंस में वॉल्यूम है, 1478 रुपया इसका हाई है, 734 रुपया इसका लो है और दोस्तों आज की डेट में 60% की यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर नीचे देखेंगे कंपनी इंफॉर्मेशन पर क्लिक करके, 29 जुलाई को इसका रिजल्ट आया था, रिजल्ट ज़बरदस्त था और 23 जुलाई को यहाँ पर दोस्तों 30 रुपया करके डिविडेंड दिया था। प्रमोटर होल्डिंग एक भी शेयर गिर भी नहीं है, जो कि बहुत ही शानदार बात है। तो दोस्तों टारगेट आपको बता दिया और चार्ट पैटर्न एनएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में जो डिटेल्स है वो आपको दिखा दिया। अभी चलिए देखते हैं इसका मार्केट कैप कितना है। तो दोस्तों इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो 138,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, यानी एक लार्ज मार्केट कैप वाला कंपनी है। और दोस्तों सेक्टर पी यहाँ पर आप देख सकते हो 28 है और दोस्तों यहाँ पर बुक वैल्यू 256 है, डिविडेंड 1% प्रोवाइड करता है, आरओसी 23 है, आरओई यहाँ पर 19 है, फेस वैल्यू 5 का है। अगर हम लोग नीचे जाएंगे देखेंगे कंपनी जो है, कंपनी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यहाँ पर लिखा है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो आईटी सॉफ्टवेयर में काम करता है, लार्ज कैप कंपनी है और 5 नंबर पर आता है टेक महिंद्रा। उसके अलावा अगर हम लोग क्वार्टरली सेल्स देखेंगे, 8321 का एक्सपेंड किया गया था, 10,000 का सेल हुआ है, यानी एक्सपेंड से बहुत ही ज़्यादा सेल हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 1081 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, अभी देखिए 1353 करोड़ का जो कि क्वार्टर वाइज प्रॉफिट हुआ है, जो कि शानदार सिग्नल है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 31K का एक्सपेंड किया गया था, 38K का यहाँ पर सेल हुआ है और दोस्तों नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो 4,428 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 2020 में और 21 में आप देख सकते हो 4,809 करोड़ का प्रॉफिट, यानी दोस्तों ज़बरदस्त यहाँ पर प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है 400 करोड़ का। अगर हम लोग कंपाउंडिंग ग्रोथ देखेंगे 19% है और दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी भी 19% है। शेयर कैपिटल चेक करेंगे तो 437 शेयर कैपिटल है और 24,000 करोड़ का रिजर्व कंपनी रखा है और कर्जा देख सकते हो ना के बराबर कर्जा है, 2,901 करोड़ का कर्जा, यानी ना के बराबर कर्जा है। और आप देख सकते हो किस तरीके से रिजर्व कंपनी ग्रो कर रहा है, जो कि एक शानदार सिग्नल है। एसेट देखेंगे, एसेट में भी तेजी है। कैश फ्लो देखेंगे, कैश फ्लो थोड़ा सा यहाँ पर माइनस है। अगर हम लोग होल्डिंग चेक करेंगे किसके पास कितना होल्डिंग है, 35% यहाँ पर प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं, 36% यहाँ पर FI वाले होल्ड कर रहे हैं, DI वाले यहाँ पर दोस्तों 16% होल्ड कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास 0.17 है और 11% यहाँ पर पब्लिक होल्ड कर रहे हैं और दोस्तों अदर्स जो है 0.01 होल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों सारा पैरामीटर यहाँ पर पॉजिटिव ही सिग्नल देता है, क्योंकि एक लार्ज कैप कंपनी है और दोस्तों टेक महिंद्रा का नाम बहुत ही चलता है। और दोस्तों 1520 का जो टारगेट मैं आपको दिया हूँ बहुत ही जल्दी अचीव करेगा अगर आप यहाँ पर होल्ड करके रखोगे। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।